दोस्तों, आज हम आपको मछली फ्राई करने का तरीका बताएंगे। ये मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब मछली ली है। ये मछली मैंने खुद शिकार की थी और उसको पीसीस करके धोकर हमने एक इसको बोल में रख दिया है। अब हम इस पर मसाले लगाने शुरू करेंगे। फ्राई मछली करने के लिए हमें 100 ग्राम इमली का पेस्ट चाहिए, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट की जरूरत, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, नमक हसबे जायका, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल किया है, लाल मिर्चों की जरूरत होगी 1/4 टेबल स्पून, ये है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा होता आएगा, और अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर जायका अच्छा चाह रहे हैं मछली का तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मैंने यहाँ पर जीरे का पाउडर लिया है 1/4 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम इमली के पेस्ट में मिला देंगे। तमाम मसालों को, अदरक लहसुन के पेस्ट को और जो हमने इमली का पेस्ट बनाया था, उन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर इस तरह का हम बीटर तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हम मछली पर मिक्स कर देंगे। अब इस पेस्ट को हम मछली पर डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस पेस्ट को अच्छी तरह से मछली में लगा देंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से पेस्ट मछली पर लग जाना चाहिए। अब इसके बाद इस मछली को हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। मछली फ्राई करने के लिए अब हम बेसन का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने किसी बोल के अंदर 3 टेबल स्पून बेसन डाला है। इसमें अब हमने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और आधा चाय का चमचा हमने चाट मसाला इसमें डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा बेसन का और दूसरी चीज़ें जो इसमें डाली थी उनका एक पेस्ट तैयार हो गया, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बस इस तरह से बना लें। अब ये पेस्ट तैयार हो गया, हम इसमें फिश के पीसीस को इसमें डालकर और फिर फ्राई करना शुरू करेंगे। मछली को तकरीबन 5 घंटे बाद मैंने फ्रिज से निकाला है, जो कि इसमें मसाला लगाकर मैंने रखा था। अब इस मछली को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है और चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखा है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें, चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए या मीडियम से भी कम होना चाहिए। बेस्ट ये है कि आप मीडियम फ्लेम रखें। अगर आप फ्लेम को ज़्यादा रखेंगे तो चीज़ जो है वो जो आप फ्राई करना चाह रहे हैं वो जल सकती है, बर्न हो जाएगी, तो इसलिए हमेशा मीडियम फ्लेम रखें। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम रखा है। अब इसमें हम फिश को फ्राई करना शुरू करेंगे। अब हम मछली को फ्राई करना शुरू करते हैं। मछली के एक एक पीस को हम इस बनाए हुए पेस्ट में हम इसको डालेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मछली का एक पीस हमने लिया है, इसको अच्छी तरह से हम बेसन इस तरह लगा लेंगे और फिर आप इसको फ्राई पैन में डाल दीजिए।
5 मिनट फ्राई होने के बाद इन तमाम पीसों का आप साइड चेंज कर दें, यानी पलट कर उनको डाल दें और इस तरह उनको भी 5 से 6 मिनट फ्राई होने दें। बस आप देखते रहें कि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाएं, जले नहीं, और उस वक्त तक इनको फ्राई होने दें हल्की आंच पर। जब आप देख लें कि मछली अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है तो इसे बाहर निकाल लीजिए और बाकी की मछली के पीसेस भी इसी तरह से फ्राई कर लें। आखिर में गार्निश करने के लिए इसके ऊपर एक हरी मिर्च काट कर डाल दीजिए। मज़ेदार गर्मा गर्म फिश फ्राई तैयार है। हमारे चैनल FJ फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।